तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्क्वायरल पोम को। आपने देखा होगा कि आपके आसपास गिलहरी आपको खेलते कूदते इधर से उधर उछलते हुए दिख जाएगी। इस पोम के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि क्या खास बात लगी पोएट को गिलहरी के बारे में या फिर स्क्वायरल के बारे में कि उन्होंने एक पोम ही लिख डाली। तो देखते हैं इस पोम के फर्स्ट टेंस के अंदर क्या लिखा है। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, an overcoat of grey, he sat up straight to eat a nut, he liked to tease and play, and if we ran around his tree, he went the other way. तो यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं, जो गिलहरी होती है, आप इसकी अगर टेल की तरफ देखेंगे तो जो इसकी टेल होती है ये कुछ क्वेश्चन मार्क की शेप की होती है। तो वो यही बोल रहे हैं कि उसने एक क्वेश्चन मार्क उसकी पूंछ पर है, और एक ओवरकोट ऑफ ग्रे, अगर आप गिलहरी के बैक साइड को देखेंगे तो उसके ऊपर एक ग्रे कलर की क्या एक आपको स्ट्राइप टाइप दिखेगी। तो उसको उन्होंने बोला है कि एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, और वो सीधे बैठकर अपना नट खा रहा है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, उसको टीज करना मतलब तंग करना, परेशान करना और खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड इफ ही रैन अराउंड हिज ट्री, ही वेंट द अदर वे, और अगर हम उसके ट्री के आसपास घूमते हैं तो वो क्या करता है, अगर हम उसके ट्री के आसपास रन अराउंड करते हैं तो वो दूसरी ओर चले जाता है। यहीं पर ये हमारी छोटी सी पोम फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, ऐसे ही और वीडियोस के लिए और कंटेंट के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट योर एक्सपीरियंस। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।